सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है गाइस आप सभी का आज के एक और ब्रांड न्यू गेम प्ले की वीडियो में। एंड गाइस आज एक बार फिर से हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं पोकेमोन लेट्स गो पिकाचू हमारा एडवेंचर, और ये होने वाला है एपिसोड नंबर 3। इससे पहले गाइस हमने काफी सारे पोकेमोन पकड़ लिए हैं, एक जिम मैच जीत लिया है ब्रॉक को हरा कर, और आज हम जर्नी को कंटिन्यू करेंगे और जाएंगे इस केव के अंदर जो कि है माउंट मून। इसके अंदर बहुत सारे जूवेट्स वगैरह होने वाले हैं, तो हम इसके अंदर जाएंगे, देखते हैं कौन सा पोकेमोन हम पकड़ेंगे। हो सकता है कोई इंटरेस्टिंग पोकेमोन मिल जाए। और ये ना अभी तक की गेम की सबसे ज्यादा बेकार केव है, मतलब मुझे इस केव में, ओ भाई टीम रॉकेट, वाओ ये तो जेसी और जेम्स है। मुझे अच्छा लगा इस वाले गेम में इन्होंने जेसी और जेम्स रखे हैं, कूल। यू वर एवर ड्रॉपिंग ऑन अस जस्ट नाउ, वरंट यू म्याउथ, यू वर सपोज टू बी कीपिंग वॉच। अच्छा वो जो म्याउथ बाहर सो रहा था ना, वो बेसिकली यार यहाँ की देखभाल के लिए था बाहर केव की, कि कोई अंदर ना घुसे, पर वो सो गया था। ये इन्हीं का म्याउथ है, मतलब टीम रॉकेट का। वी नो देयर्स अ रेयर फॉसिल बरिड अराउंड हेयर समवेयर, ओके इफ यू गॉट एनी यू बेटर हैंड देम ओवर टू अस, ओके। तो यहाँ पर कोई फॉसिल वगैरह है गाइस जिसे ये लोग ढूंढ रहे हैं और उसे हम भी ढूंढने वाले हैं। ये कह रहा है अगर तुम्हारे हाथ कोई फॉसिल वगैरह लगे तो हमें दे देना, लेकिन हम ऐसा नहीं करने वाले, हम इन्हें नहीं देंगे वो फॉसिल। और ये मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा कि एक्चुअली में इस वाले गेम में टीम रॉकेट है। पिछले वाले गेम्स में अदर ट्रेनर्स वगैरह रहते थे, बट इस वाले गेम में एक्चुअली में टीम रॉकेट है। तो मैं यहाँ पर फॉसिल ढूंढने वाला हूँ और ट्रेनर बैटल वगैरह हम करेंगे, और उसके बाद में जर्नी में आगे बढ़ेंगे और देखते हैं उस फॉसिल में कौन सा पोकेमोन होगा। आई थिंक एरोडैक्टल हो सकता है, शायद मुझे लग रहा ना जहाँ तक एरोडैक्टल है उस वाले में, और अभी लेकिन हमें कुछ भी कंफर्म नहीं है क्योंकि कोई सा भी पोकेमोन हो सकता है, मे बी कोई लेजेंडरी पोकेमोन। और शायद मेरे बल्बसोर से नहीं हरा सकता ना, हमारे बल्बसोर को हटाते हैं और पिजी को बुलाते हैं। ओके पिजी भी, लेकिन यार वो भी तो फ्लाइंग टाइप है ना, तो आई थिंक ज़्यादा असर तो नहीं करेगा बटरफ्री के ऊपर। और मुझे अभी चार्जार्ड भी चाहिए बेसिकली, मुझे पता नहीं चार्मेंटर मुझे कहाँ मिलेगा, बट मुझे चार्मेंटर भी चाहिए मेरा। अभी हम लोग ना अपने पोकेमोन को लेकिन विकसित भी करेंगे बल्बासोर को, उसे जल्दी से मैं आइवासोर में इवॉल्व कर दूंगा जो कि मेरे आगे जर्नी में बहुत ज़्यादा काम आएगा। और अभी एक जिम बैटल आने वाली है जो कि शायद मिस्टी होगी जहाँ तक मुझे पता है, अगर गेम में और एनिमे के अकॉर्डिंग चल रहा है तो पहले जिम के बाद में मिस्टी आती है, तो हमें मिस्टी को हराने के लिए एक और पोकेमोन की ज़रूरत होगी जो कि आई थिंक हाँ ग्रास टाइप हराएगा ना, क्योंकि उसकी पोकेमोन वाटर टाइप है। तो यहाँ पर पहले हम इसे हरा देते हैं एक और बार गश्त, और ये ख़त्म हो गया। चलो मैंने इसे ईजिली हरा दिया, बहुत ईजी है यहाँ के ट्रेनर्स को हराना, और मुझे एक्सपी मिल चुकी है, हमारा लेवल हो चुका है लेवल 10। और जर्नी में आगे गाइस अभी काफ़ी सारे लेजेंडरी पोकेमोन्स भी मिलने वाले हैं, और लेजेंडरी पोकेमोन्स की हंटिंग मैं लास्ट में करता हूँ, सभी को पता है। एक बार 8 जिम बैजेस जीत जाए ना, उसके बाद में सभी लेजेंडरी पोकेमोन को पकड़ेंगे, ढूंढ ढूंढ कर पकड़ेंगे। तो अभी मैंने इन्हें हरा दिया है और मुझे 3 पोकेबॉल्स भी मिल चुकी हैं, और इसमें देखते हैं क्या है, इसमें 5 ग्रेट बॉल्स। इस वाले गेम में एक्चुअली में ना तुम्हें छुट्टा के भाव में, बाप रे मुझे लगा जूबैट, वाओ यहाँ पर काफी सारे पोकेमोन से छुट्टा के भाव में पोकेबॉल्स मिलती हैं, देखो कितने सारे जूबैट। बट ये अच्छी बात है ना, ये गेम इतनी अनोइंग नहीं है जितना ये फायर रेड में थी। फायर रेड में तो एक्चुअली में ना तुम्हारे दिमाग में टेंशन हो जाती थी भाई इतने सारे जूबैट्स, लेकिन इस वाले गेम में तुम्हें एक्चुअली में बाहर उड़ते हुए दिख रहे हैं जिन्हें तुम अवॉइड भी कर सकते हो। ऐसे और गेम बनने चाहिए यार, ये कॉन्सेप्ट मुझे सबसे ज़्यादा सही लगा कि यहाँ पर तुम्हें कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि भाई तुम्हें बैटल ही करनी पड़ेगी, मतलब तुम अवॉइड भी कर सकते हो अपनी मर्जी के हिसाब से। तो यहाँ पर अभी मैं यूज़ करूँगा फिर से पीजी का, बिकॉज पीजी ग्रास टाइप पोकेमोन को ईजिली हैंडल कर लेगा। अभी मुझे यहाँ पर केव में ग्रास टाइप पोकेमोन क्यों मिल रहा है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा ये चीज़, यहाँ पर तो रॉक टाइप पोकेमोन होने चाहिए ना केव में, इसलिए मैं बल्बासोर को भी आगे रखा था कि अगर मेरे सामने रॉक टाइप पोकेमोन आएंगे तो मैं बल्बासोर से ईजिली हरा दूंगा, बट यहाँ पर ग्रास टाइप पोकेमोन ला रहे ट्रेनर्स केव के अंदर। एक्चुअली में ऐसा होना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, गेम के हिसाब से तो ऐसा नहीं होता था पुराने गेम्स में। चलो यहाँ पर मैंने इसे ऑलमोस्ट हरा ही दिया है, मुझे लग रहा ना मेरा पिजी ऑटो बन जाएगा इतनी जल्दी। ओके और मैं इसे पोकेबॉल से बाहर घुमाऊंगा, काफी ज्यादा कूल लगेगा। अरे 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 पीजी की हेल्थ बाबा बहुत कम है, हमें इसकी हेल्थ वगैरह ठीक करनी पड़ेगी। देख मरियो मत, नहीं मरेगा। ओके हमें एक्सपी तो मिल गई है, कितनी एक्सपी मिलेगी पर 39, थोड़ी ज्यादा दो यार। अच्छा हमारे दूसरे पोकेमोन्स को भी शेयर हो रही ना इसलिए। तो यहाँ पर मुझे 3 पोकेबॉल्स मिल गई, अभी अपन चलेगा आगे। और ये रही जेसी,
जैसे कि हेयर सच में कमाल के हैं। अगर ये टिकटॉक में होती तो बहुत ज़्यादा फेमस होने वाली थी। यू प्रिटी फास्ट किड, कहाँ जा रही है जैसी? जैसी भी, लेकिन अब मैं कंट्रोवर्शियल बात करने वाला हूँ, जैसी भी लेकिन क्यूट है यार। सच्ची यार, अब तो मैं पता नहीं लगती है कि नहीं, मतलब एक्चुअली में क्यूट है, जैसी क्यूट है थोड़ी बहुत, मतलब थोड़ी डरावनी बट वो। ओ जियो डूड, जियो डूड, पर मुझे नहीं चाहिए जियो डूड। ओ भैया, मेरे सामने आने ही वाला था ये, क्या नाम है इसका, जूबैक। ओके यहाँ पर मैंने, ओ एक और जूबैक, यहाँ पर एक केव है, इसमें चलूँ क्या मैं? मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या, चलो चलते हैं, हो सकता है कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ हो। और यहाँ पर हमें रेयर कैंडी मिली है एक, वाओ, अच्छा हुआ मैं यहाँ तक आ गया था, मुझे रेयर कैंडी मिल गई। हम लोग बैटल नहीं करेंगे, अवॉइड करो ट्रेनर्स को। और ये रहा जेम्स, जेम्स भी कूल है, जेम्स एक्चुअली में कूल है। और मुझे लगता है ना काफ़ी सारे लोग जेम्स को पसंद करते हैं, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा ना कि जेम्स कोई विलेन हो, मैंने ऐसे कभी नहीं सोचा, मुझे हमेशा से लगता था भाई जेम्स बहुत कूल बंदा है। एक्चुअली में उसकी बैक स्टोरी बहुत ज़्यादा सैड थी, मतलब टीम रॉकेट के हर एक मेंबर की स्टोरी सैड है। अगर तुम बैक स्टोरी इन सब की देखो, मैं किसी वीडियो में तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा अपने दूसरे चैनल में, बट तुम्हें ना पता हो तो जेम्स, जैसी और यहाँ तक कि म्याऊ, इन सब की बैक स्टोरी बहुत ही ज़्यादा सैड है। और ये लोग कभी इतने बुरे थे नहीं, म्याऊ भी इतना बुरा तो था नहीं, वो आज भी इतने बुरे हैं भी नहीं मुझे लगता है। दूसरी अगर तुम लोग गैंग से उनको देखो, वो चैंसी अंडा लेकर आ रही, ब्लीसी है चैंसी, आई थिंक चैंसी लग रही हो, ये शायद मेरे को चैंसी ही तो लग रही है, ब्लीसी नहीं है ये, चैंसी ही है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और ये रहे रॉक टाइप, इसके पास में रॉक टाइप पोकेमोन्स के, ओ बाप रे, ओ बाप रे, मैं इसे अवॉइड करूँगा। यहाँ पर मुझे मिला है पर्ल, डायमंड एंड पर्ल वाला पर्ल, ओके बच गए। यहाँ से नीचे चलते हैं, बस हम लोग आ ही गए हैं। और ये रहा म्याऊ, भाई ये तो बाहर था लेकिन केव की, ये अंदर कैसे आ गया, कब आया? म्याऊ कहाँ जा रहा है? ये दो पैरों पे चल रहा तो कंफर्म म्याऊ है, मतलब हमारा वाला टीम रॉकेट का म्याऊ, ये कंफर्म वही है, क्योंकि वही एक लौता म्याऊ है जो दो पैरों पर चलता है। शायद एक लौता नहीं, क्योंकि एनिमे में एक और ऐसा म्याऊ हमने देखा था जो कि कैप वगैरह भी लगाता था और उसके पास भी ऐसी सेम एबिलिटीज थी, बस वो बात नहीं कर सकता था जैसे म्याऊ करता है। मतलब पोकेमोन वर्ल्ड में ना म्याऊ एक लौता ऐसा पोकेमोन है जो कि खुद से बात करना सीखा है। हाँ, म्याउथ ने खुद से बात करना सीखा है इंसानों की तरह बोलना। और गाइस हमारी यहाँ पर पहली बैटल हुई है टीम रॉकेट के ग्रैंड से, और इसके पास में है ड्राउजी, ड्राउजी। अच्छी बात है यहाँ पर मेरी ट्रेनिंग हो जाएगी, मेरा पोकेमोन ट्रेन हो रहा है, और अगर एक बार ये पावर अप हो गया तो मिस्टी को हराएंगे, मिस्टी स्ट्रांग होगी, तुम लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताया है, पहले ट्रेनर जितनी कमज़ोर तो नहीं होने वाली, लेकिन हम उसे हराएंगे यार, हम हमेशा हराते हैं। लेकिन अभी मुझे नहीं पता मुझे कितना लेवल लेना चाहिए, एटलीस्ट मैं 20 लेवल का तो होना चाहिए यार मुझे, कि 20 लेवल से कम अगर मैं जिम बैटल के लिए गया तो मुझे नहीं लगता मैं जीतूंगा, तो 20 लेवल। अबे भाई ये क्या है, इसने तो मेरी हेल्थ बहुत कम कर दी। चलो हमने इसे हरा तो दिया है, हार गया, मुझे लगा मैं गया, मैं ख़त्म, टाटा गुड बाय, बाय बाय, गया। काफ़ी सारे पॉइंट्स मिल गए हैं, और अब यहाँ पर पहले तो ना अपनी हेल्थ वगैरह रिकवर कर लेते हैं, मुझे मरना नहीं है, मेरा बल्बासोर ही तो सबसे मेन है अभी, मतलब पिकाचू मेन है बट बल्बासोर जरूरी है उसकी एक्सपी बढ़ानी, और वो मर गया तो उसे एक्सपी नहीं मिलेगी ना, इसलिए उसे ज़िंदा रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका ज़िंदा रहना। यहाँ पर हमें एक और पोशन मिला है, इस वाले गेम में ना पोशन वोशन और पोकेबॉल्स बहुत बहुत ईजी चीज़ है। अरन दस डार्क कलर्ड थिंग्स फॉसिल्स, All right, meowth, go get those fossils. Meowth. Okay, तो हम इनसे बात करेंगे। बात नहीं करोगी? ये लोग बात नहीं कर रहे, उस साइड में है फॉसल्स, शायद मैं उसी साइड में जाने वाला हूँ और वो फॉसल्स मैं लेके आ जाऊँगा, इनसे पहले मैं ले लूँगा। ये खड़े होकर देख रहे हैं शक्ल, ये क्या, ये कौन सी, ये क्लिफेरी है शायद, क्लिफेरी, हाँ क्लिफेरी है, क्लिफेवल, मेरे को याद नहीं आ रहा यार किसी के नाम एग्जैक्टली। यहाँ पर ये रही एक और बॉल्स, इसमें है रिवाइव, और एक और ग्रंट से हमारी बैटल होगी, एंड आई डोंट नो इनके पास में कौन से पोकेमोन्स होंगे, बट आई थिंक मुझे अपना पिकाचू आगे रखना चाहिए, बट मैं सोच रहा हूँ पिकाचू की जगह बल्बासोर आगे रखते, बिकॉज उसकी एक्सपी ज़्यादा बढ़ेगी
और वो जल्दी इवॉल्व होगा और जल्दी काम आएगा मुझे नेक्स्ट बैटल के लिए। यहाँ पर देखते हैं इसके पास में कौन सा पोकेमोन है। आई होप कोई टाइप एडवांटेज ना ज़ूबैट है यार, ये मुझे खा जाएगा, मेरे बल्बसौर को ये खा जाएगा। एक्चुअली में इसके पास में टाइप का एडवांटेज है, मैं सही सोच रहा था पिकाचू को आगे रखने के बारे में। वाइन वेब से ज़्यादा हेल्थ तो नहीं जाने वाली इसकी, मेरे को देखो पता था यार ये चीज़, मेरे को एक्चुअली पता थी ये मुझे खा जाएगा। मैं पोकेमोन स्विच करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं पिकाचू को बुलाऊँगा। स्विच आ चुका है हमारा पिकाचू, और पिकाचू से एक हंटर। कितना क्यूट है मेरा पिकाचू यार, कितना क्यूट, इतना क्यूट कौन होता है पिकाचू, कौन, ऑफ कोर्स पिकाचू। ये देखो अब थंडरबोल्ट से खत्म ज़ूबैट एक अटैक में, सुपर इफेक्टिव अटैक। पंगा नहीं लेने का पिकाचू से, क्यूट है लेकिन उतना जोर का झटका भी देता है भाई। यहाँ पर मैंने इसे हरा तो दिया है और अब चलते हैं आगे। एक और आई थिंक इसके पास में, हाँ मेरे को याद आ गया इसके पास में फॉसल है। मेरे को पिछले गेम का याद है, आई फाउंड दीज फॉसल्स, दे आर बोथ माइन। ये मुझे एक फॉसल्स दे देगा, इसके पास में दो फॉसल्स हैं, ये कह रहा मैंने खोजे हैं भाई, दोनों फॉसल अपन रखेगा लेकिन ये एक हमें दे देगा और एक शायद टीम रॉकेट ले जाती है ना शायद। ये हमें चूज करने का मौका देगा तुम्हें कौन सा चाहिए, काबूटो, इसमें काबूटो और काबूटो ऑप्स नहीं पता नहीं, ऐसी कुछ पोकेमॉन्स तो थे इनके पास, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन काबूटो तो था, काबूटो और एक और था मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम, बट काबूटो तो था। मेरी हेल्थ ज़्यादा नहीं जाएगी, टाइप का एडवांटेज है। अरे बच कैसे गया ये, टैकल, मुझे लीच सीड डाल देना चाहिए शायद, मेरी हेल्थ भी रिकवर होती रहेगी। रुको लीच सीड डाल देते हैं हर राउंड के बाद में। यहाँ पर मैग्नेमाइट आने वाला है, नोप आई डोंट वॉन्ट टू स्विच। मैग्नेमाइट के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ पर लीच सीड डाल देते हैं, ये मैंने डाल दिया लीच सीड। और अब यहाँ पर ओ रुक जा, हमारी हेल्थ फुल कर पहले, ये देखो मेरी हेल्थ भी बढ़ते जाएगी, ये हुई ना बात भाई, पोशन की जरूरत ही नहीं है, कुदरती पोशन हमारे पास में, नेचुरल पोशन लेके चलते हैं हम। यार इसे ज़्यादा अटैक का असर भी नहीं हो रहा, बट कोई बात नहीं, हमारी हेल्थ तो जाने भी नहीं वाली, हमारी हेल्थ वैसे रिकवर हो रही है। ये देखो यही फायदे हैं लीच सीड के। यहाँ पर एक बार फिर से वाइन वेब, इसे ज़्यादा असर नहीं होगा वाइन वेब का, नॉट वेरी इफेक्टिव, ऑटोमेटिकली लाइफ दो हमें। ये सही है, देखा हमारे का भी यही हेल्थ भी इसी की जाएगी और मैं खाऊंगा बट मैं ठीक हो जाऊंगा, ये सही है। यहाँ पर मैं इससे टैकल मारूंगा बिकॉज उससे ज़्यादा हेल्थ नहीं जा रही, इससे भी ज़्यादा हेल्थ नहीं जा रही। ये आई थिंक मैग्नेट है ना, लोहा है ये, अब लोहा को क्या ही असर होगा, बट अच्छी बात है मैंने लीच सीड का इस्तेमाल किया था जिससे मेरी हेल्थ तो फुल हो ही रही है, मेरे को क्या ही फ़र्क पड़ेगा। ये देखो हेल्थ फुल हो रही है यार, हर राउंड के साथ में उसकी हेल्थ घट रही और मेरी हेल्थ फुल हो रही है, ये बहुत सही चीज़ है। कन्फ्यूज ओके, अब इस बार कुछ ज़्यादा ही हेल्थ चली गई है भैया, लेकिन हेल्थ रिकवर भी होगी, कन्फ्यूज़न भी हो गया ना, उसने सुपर सोनिक का इस्तेमाल किया जिससे मैं कन्फ्यूज हूँ, तो मेरी हेल्थ कन्फ्यूज़न से जाएगी। ये बिल्कुल लीच सीड जैसा अटैक है, बस खुद को रिकवर नहीं करता, सामने वाली के एच पी लेता रहता है और उसका मूव भी फेल होगा, तो ये अच्छा अटैक है कन्फ्यूज़न भी। ओके काफ़ी सारे, अगर तुम्हें ना रेयर मतलब रेयर बैटल्स करनी है, मतलब जो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है जिनसे लड़ना, वहाँ पर कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा काम आता है, सामने वाले ट्रेनर को कन्फ्यूज़ कर दो तुम जीत जाओगे। मैंने काफ़ी सारी जिम बैटल्स ऐसे जीती हैं, मतलब एलीट फोर में इस्तेमाल किया था शायद मैंने चैम्पियन है एलीट फोर को हराने के लिए, खाली मैंने कन्फ्यूज़न से उसे पागल कर दिया था। तो यहाँ पर हमें क्विक अटैक मिला है, मैं सैंड अटैक को हटाते हैं और क्विक अटैक सीख लेते हैं, और यहाँ पर हमने इसे हरा दिया इजिली, रो रहा है वीटी। देखा इसने मुझे एक दे दिया फॉसल, इसने कहा तुम एक ले सकते हो, अब मुझे गाइस फैसला करना है कि मुझे कौन सा लेना है। ओके काबूटो होगा और ओमनी स्टार होगा, ओके मैं ये वाला लेने वाला हूँ, डोम फॉसल, हाँ हम ये लेंगे, राइट वाला लेंगे हम, वो वाला मुझे उतना ज़्यादा कोई खास नहीं लगता, ये अच्छी बात है, पिटने के बाद बोल रहा भाई एक रख लो यार, अब क्या ही कर सकते हैं हम।
स्टॉप राइट देयर। ये बोल रहा है हमको फॉसिल दे दे। वहां पर खड़े खड़े देख रहे आई एम जेसी एंड आई एम जेम्स एंड माउथ इज माई नेम। मैंने अच्छी शायरी बना ली। देखा दुनिया को तबाही से बचाने के लिए, सभी शैतानों को एक साथ लाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। जेसी जेम और माउथ मेरा नेम। अच्छी खासी शायरी है, मुझे याद आ गई यार पहले की, इनका स्लोगन था ना ये। अरे यहाँ पर कॉफिंग है, कॉफिंग को रुको, यहाँ पर पहले लीच स्वीट डाल देते हैं एक इंच के ऊपर, और यहाँ पर हम डस्ट का यूज करेंगे एक इंच के ऊपर, मरेगा भी एक इंच। लीच स्वीट यहाँ पर, वैसे मैं बाय द वे यार थंडर बोल्ट का इस्तेमाल करूंगा तो ये लोग तो मर जाएंगे, तो क्यों ना मैं पिकाचू को यहाँ पर बुलाऊं। यहाँ पर हम स्विच करके पिकाचू को बुलाने वाले हैं, बल्बसौर को पीछे भेज देते हैं। वाह मेरी हेल्थ तो बढ़ रही है, लेकिन ये देखो थोड़ी थोड़ी बढ़ रही। मैं पोकेमोन को स्विच करने वाला हूँ, हम यहाँ पर पिकाचू को बुलाएंगे और यहाँ पर अब अटैक करते हैं, गश्त का इसके ऊपर करते हैं, देखते हैं क्या होता है। एक इंच तो एक बार में खत्म हो जाएगा मेरे पिकाचू का अटैक, ऐसा लग रहा है, क्योंकि थंडरबोल्ट ये लोग नहीं सहन कर सकते ये वाले पोकेमोन। ठीक है ये क्या एसिड है, पॉइजन ना हो जाए मेरे पोकेमोन। अब यहाँ पर देखो थंडरबोल्ट का सर, यहाँ से हमें पिकाचू को हेल्थ मिलती रहेगी हमारे, क्योंकि वो जो अटैक हमने लीच स्वीट किया था उसका असर रहता है बाद में तक, मतलब लास्ट ही तक रहता है जहाँ तक याद आ रहा मुझे। यहाँ पर हम लोग इसका यूज़ करेंगे और इसे हराएंगे। क्विक अटैक भी मार सकता हूँ मैं कॉफिंग को, क्विक अटैक ही मार देते हैं, उतनी ज़्यादा कुछ खास हेल्थ तो जा नहीं रही। टीम रॉकेट स्ट्रॉन्ग है यार, उतने कमज़ोर भी नहीं है जितना मुझे लगा था। ये लोग इनके पोकेमोन मुझे लगा था फिसड्डी होंगे, बट ऐसा है नहीं। अरे मेरे पीजी की हेल्थ जा रही बाबा। पिकाचू पिकाचू कम ऑन पिकाचू। भाई एक थंडरबोल्ट से ये खत्म नहीं हुआ, मैं सोच रहा था एक थंडरबोल्ट मारूंगा और ये खत्म। एक काम करते हैं ना, रुको 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 रुको, पिकाचू का डबल किक यूज करते हैं कॉफिंग के ऊपर, और पीजी का अटैक यूज करते हैं क्विक अटैक या तो कष्ट एक इंच के ऊपर। आई थिंक ये सही अटैक होंगे, थोड़ा पैटर्न चेंज करते हैं। अरे भैया कतई काम नहीं किया, एक इंच भी नहीं मरा, एकदम गलत फैसला था यार ये तो। ना 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 ना, पीजी खत्म होने वाला है ऐसे में, पीजी को खत्म ही कर दिया, गया टाटा गुड बाय। वाओ यार चलो एक इंच तो मरा, एक इंच गया लीच सीड की वजह से, लेकिन अभी यहाँ पर एक पोकेमोन बचा है कॉफिंग, मुझे 68 पॉइंट्स मिले। पिकाचू लेवल 12 का हो चुका है, डबल टीम अटैक भी मिला है, डबल टीम सिखाते हैं टेल विप को हटाकर, देखते हैं दूसरा अटैक भी मिल जाए। अभी थंडर शॉक भी मिलेगा शायद, चल भाई पोकेमोन स्विच कर जल्दी से। अभी अब हम लोग बुलाएंगे बल्बासोर को, क्योंकि वैसे बल्बासोर की एचपी बहुत कम सी लग रही है मुझे। मेटापॉड को तो मैं बुलाने नहीं वाला बिकॉज वो कोई खास काम आएगा नहीं, तो यहाँ पर हमें कॉफिंग को बस हराना है, तो मैं इसे थंडरबोल्ट से शायद हरा दूँ। मुझे नहीं पता ये ज़्यादा यूज़फुल होगा कि नहीं, लेकिन हमारे पास में कोई और चॉइस भी तो नहीं है। और यहाँ पर हम लोग बल्बासोर का वाइन वेब इस्तेमाल करते हैं कॉफिंग के ऊपर, लेट्स सी क्या होता है। अरे ये सही है, एचपी गई, मुझे तब से ये यूज़ करनी थी। ये टैकल का इस्तेमाल कर रहा है और अब शायद ही ख़त्म हो जाए कॉफिंग। अब हाँ अब ख़त्म है, अब तो ख़त्म है गारंटी के साथ ख़त्म है। एक अटैक और, ये गई एचपी और एक ही बार में ख़त्म हो गया। बल्बासोर के अटैक का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ा मुझे, कूल। सो फाइनली गाइस हमने यहाँ पर हरा दिया है टीम रॉकेट के जेसी एंड जेम्स को, कूल। भाई सोच रहे बच्चे से हार गए और ये भाग गए, ये ब्लास्टिंग ऑफ हुए उड़कर नहीं गए। इस वाले गेम में भी ऐसे कुछ करना था कि एकदम उड़ के चले गए, मजा आता है ऐसे सीन देखने में। और ये आ चुके हैं गाइस हम दूसरे साइड में केव के रूट नंबर 4 पर,
कूल, सेरुलियन सिटी में चलेंगे अब। इधर पे कुछ होगा ना, ये देखो यहाँ पर एक अटैक होगा। अरे 5 पॉकीबॉल्स हैं। और इस साइड कुछ है क्या? नप 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 नप, नो 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 नो, इस साइड कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कुछ तो होता है यार, मुझे याद आ रहा है जहां तक। तो इस साइड में कैसे जा सकता हूँ? अगर मैं नीचे गया तो मुझे पता नहीं है। इसी साइड चलते हैं यार, वहां पर मैंने कुछ अच्छा मिस तो नहीं किया ना? नहीं 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 नहीं, नहीं मुझे लग, यहाँ पर एक साइडक है कूल और एक सैंड श्रू है। साइडक को हम रखेंगे अपनी टीम में, वॉरियर टाइप पोकेमोन होगा वो, लेकिन हमारे कोई काम का नहीं है खास। साइडक नहीं रखने वाले हम लोग टीम में। हम लोग यहाँ से चलते हैं, मुझे चार्जार्ड चाहिए, चार्मेंडर, चार्जार्ड जो भी हो वही चाहिए, ये तो मुझे नहीं चाहिए। और यार हम लोग आ चुके हैं सरुलियन सिटी में, वाओ कूल। क्या हो गया? पीका पीका। अच्छा हेल्थ रिकवर करनी है, यही बता रही है। वाओ यार हम लोग फाइनली सरुलियन सिटी में आ गए कूल। और यहाँ पर ये रही नर्स जॉय, हेलो नर्स जॉय। सो यहाँ पर मेरी पोकेमोन टीम पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है, लेकिन अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ। हम यहाँ पर सभी से बात करेंगे। हो सकता है मुझे कोई मूव सिखा रहा है, ये जिपी जैप, ये कौन सा मूव है? कोई अच्छी चीजें मिल सकती हैं इस वाले टाउन में, इसलिए सबसे बात करना जरूरी है। डबल टीम को हटाते हैं। और ये जिपी जैप कौन सा मूव है? अरे बाय द वे गाइस, मैं आसानी से मिस्टी को हरा सकता हूँ। मुझे याद क्यों नहीं आया कि मेरा पिकाचू वहां पर कतई जहर मचा देगा। वो एक इलेक्ट्रिकल टाइप है और मिस्टी वाटर टाइप है। यहाँ पर हमारा पिकाचू बहुत ज्यादा काम आने वाला है, मुझे सच्ची याद भी नहीं था। तो ये रहा वो जिम जहाँ पर हमें बैटल करनी है, सरुलियन सिटी पोकेमोन जिम। यहाँ की लीडर है मिस्टी द टॉमबॉयश मरमेड। एक्चुअली वो क्यूट भी तो है मिस्टी, और यहाँ की वो मरमेड है। मुझे देखने में मजा आएगा कि आखिर इस वाले टाउन में वो दिखती कैसी है। और यहाँ पर हम लोग थोड़ा बहुत टहल लेते हैं, हो सकता है कुछ अच्छी चीज मिल जाए। ये तो बल्बासोर है, ये क्या देने वाली, कुछ देने वाली है क्या? अच्छा ये कह रही है अगर तुम 30 पोकेमोन पकड़ोगे तो मैं तुम्हें बल्बासोर दूंगी। मुझे नहीं चाहिए तेरा बल्बासोर, मेरे पास में ऑलरेडी एक क्यूट सा प्यारा सा खतरनाक सा बल्बासोर। कितनी बड़ी पोकेबॉल है भाई, अरे ये फट गई ना गलती से भी यहाँ पर, तो पूरा टाउन उड़ा देगी। मुझे लग रहा है ये घर तोड़ने वाला है। अरे देवी यहाँ पर इसको हटा ले, ये बॉल के अंदर डाल उस बॉल को, ये खतरनाक चीज है भाई, ऐसे खुलेआम नहीं घुमानी चाहिए इतनी बड़ी पोकेबॉल को। वो एक्चुअली वो पोकेमोन फट सकता है यार, वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट होता है। और यहाँ पर गलती से वो फट गया, हल्का सा उसे गुस्सा भी आया, तो पूरा टाउन उड़ा देगी ये लड़की। इसे जरा भी फिक्र है किसी की? ओए हेलो मिस। यहाँ से गाइस हम लोग थोड़े से चीज़ें लेने वाले हैं, जैसे कि एस्केप रोप हम लोग 2 लेंगे, बिकॉज ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आती हैं एस्केप रोप्स। और मुझे और आई थिंक कुछ नहीं लेना, पोकेबॉल्स तो मैं लेने नहीं वाला। ये सब चीज़ें भी खरीद सकते हैं इसमें, लेकिन अभी कुछ भी नहीं चाहिए। ये आई थिंक बाइसिकल शॉप है जहाँ से हम लोग बाइसिकल भी खरीद सकते हैं, और यहाँ पर काफ़ी सारी बाइसिकल्स हैं, लेकिन अभी ये शायद नहीं देंगे हमें। हमें कुछ पास वगैरह लाना पड़ता है, उसके बाद में हमें एक बाइसिकल फ्री में मिलती है। इधर फिशिंग करने का एरिया होगा पक्का, पक्का यहाँ पर फिशिंग करने का एरिया। ओ इस वाले गेम में उन्होंने बंद कर दिया, पिछले वाले गेम में तुम यहाँ पर फिशिंग वगैरह कर सकते थे, यहाँ पीछे साइड से ये था वो एरिया, लेकिन इस वाले गेम में बंद है। चलो यहाँ पर हमें कुछ और आइटम तो मिले। अइला इतना बड़ा ओनिक्स, अबे सर भी नहीं दिख रहा, कहाँ घर में कैसे घुसा दिया इसने? अच्छा इसने पोकेबॉल के अंदर करा होगा फिर बाहर, इतना बड़ा लेकिन घर के अंदर ऐसे खुलेआम छोड़ना ओनिक्स को, ये सांप है ये तो पूरा पूरा। ये क्या बोल रही, आई वॉज स्टॉप्ड वेन आई ट्राई टू एंटर अ पोकेमार्ट विद माई डियर ओनिक्स। भैया ये पागल है कि ये इतना बड़ा ओनिक्स लेके पोकेमार्ट के अंदर घुसना चाहती थी, तो वो लोग बाहर ही निकालेंगे ना और क्या करेंगे। अपने घर के अंदर इतना बड़ा ओनिक्स लेके बैठी है और कह रही मैंने पोकेमार्ट के अंदर भी कोशिश करी थी। और ये रहा गैरी, गैरी ओ वेंचर यू गॉट यू आर नॉट गोना बिलीव दिस पोकेमोन। कौन सा पोकेमोन भाई, ये इतना खुश क्यों हो रहा है? इसने कोई पोकेमोन पकड़ा क्या? ये बहुत ज्यादा खुश है, या तो इसने किसी पोकेमोन को देखा। इसके पास में बाय द वे 3 पोकेमोन है, एक पीछी। अभी तो मेरा बल्बासोर आगे आएगा शायद, हाँ बल्बासोर ही आगे है, मरना थोड़ना है मुझे, मैं पोकेमोन स्विच करने वाला हूँ। 12 लेवल का पीजी लेके आया बाबा, ट्रेनिंग तो करवाई है लड़के ने, मानना तो पड़ेगा। मैं यहाँ पर सबसे पहले पिकाचू को बुलाऊंगा,
ओके पिकाचू की उतनी हेल्थ। अब यहाँ पर हम इसे देंगे, ओ सिपी जैप, एक नया अटैक मिल रहा है मुझे अभी से, इसकी चली गई हेल्थ, आधी हेल्थ हो गई मेरे पिकाचू के अटैक से। अभी हम लोग जिपी जैप का इस्तेमाल करने वाले हैं, वो अटैक काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है और 15 पक्का पावरफुल अटैक है, इससे मैं मिस्टी को हराऊंगा। अवॉइडेड द अटैक, व्हाट द हेक, स्पीड ज़्यादा है क्या इसकी। यहाँ पर जिपी जैप, ओ कूल, सुपर कूल, एक नंबर अटैक, मज़ा आ गया। और यहाँ पर हमें पॉइंट्स मिले, मीटअप ऑल्ड लेवल 9 का हो चुका है यार। इवॉल्व हो जाए यार, कब इवॉल्व होगा, ऑर्डिस आने वाला है। छी यार, इसने ऑर्डिस पकड़ा, मुझे लगा कोई अच्छा पोकेमॉन पकड़ा होगा। क्या रे, ऑर्डिस लेके घूम रहा है। यहाँ पर आ चुका हमारा पिजी, ऑर्डिस यार, ऑर्डिस बताओ, 12 लेवल का ऑर्डिस। यहाँ पर हमें से एक ही अटैक से, एक दो अटैक से हार जाएगा ये, दो अटैक से आई थिंक, क्योंकि इसका लेवल नहीं, 3 अटैक लगेंगे शायद, इसका लेवल हमसे भी ज़्यादा है इसके ऑर्डिस का। और ये भाई ये क्या है, ऑर्डिस का डैमेज इतना ज़्यादा कैसे, पॉइजन पाउडर, अरे इसने मेरी इतनी हेल्थ कैसे ले ली, इसके पास तो टाइप का एडवांटेज भी नहीं है, पॉइजन टाइप भी है यार ये तो। यहाँ पर मैंने हल्के में लिया ऑर्डिस को, ये तो सीरियस हो गया भाई, ऑर्डिस की अभी भी हेल्थ बची, अरे मैं मर जाऊंगा रे, अबे मैं गया पक्का। ओ मेरी 1 HP बची है, कोई का अटैक भाई, कोई का अटैक, अरे नहीं, मर गया मेरा पीजी, अरे नहीं, व्हाट द हेक, मर गया मेरा पीजी गया यार, शिट गाइस। यहाँ पर पिकाचू को बुलाते हैं, अभी हम लोग बल्बासोर को बाहर नहीं निकालेंगे, मैंने सोचा नहीं था इस गधे के पास में इतना दिमाग होगा, ये पोशन का इस्तेमाल करेगा। यहाँ पर मैं डबल किक के साथ में खेलूँ क्या, इससे कितनी हेल्थ जाएगी मुझे नहीं पता, लेकिन इस्तेमाल करके देखती हूँ। अरे बाप रे, ये तो बहुत ज़्यादा कम है, 2 times के बाद भी इतनी कम हेल्थ गई। अवॉइडेड द अटैक, ओके मैं क्विक अटैक का इस्तेमाल करके देखता हूँ, हाँ क्विक अटैक से ठीक ठाक हेल्थ जा रही है। और यहाँ पर हम लोग एक और बार अटैक करेंगे क्विक अटैक, तो हमने इसे हरा दिया इजी, बहुत मुश्किल बैटल थी, इजी तो मैं नहीं कहूँगा, इसको हराना इजी तो मैंने जितना हल्के में समझा, और इसकी ईवी आने वाली है, उतना हल्का ये था नहीं। ईवी आ गई, ईवी तो हार जाएगी भाई जिपी जैप से, जिपी जैप बहुत डेंजरस अटैक लग रहा है मेरे को, खत्म। अरे वो आधी हेल्थ गई, अच्छा वो बच गई है, हमारे पास में एडवांटेज है पिकाचू के खिलाफ, अगर इसने अपने पोकेमोन को ना, हाँ हो सकता है फ्यूचर में ये अपने ईवी को फ्लैरियन में इवॉल्व कर दे, तो ये मेरे ऊपर भारी पड़ेगा अगर इसने फ्लैरियन में इवॉल्व किया तो, क्योंकि वो फायर टाइप पोकेमोन और फायर और इलेक्ट्रिकल में फायर जीतता है, तो शायद हाँ इसके पास में एडवांटेज होगा, लेकिन अगर इसने अपने ईवी को वाटर टाइप में इवॉल्व किया ना, तो ये तो मर जाएगा। हाँ ऐसा भी हो सकता है, लीफियन भी है ना, लेकिन लीफियन तो एक अलग चीज़ है। हाँ डीप ब्रीथ्स, लेट मी ट्राई दैट अगेन, सॉरी इट्स नॉट लाइक मी टू लूज माई कूल लाइक दैट, देयर इज अ हाउस अप अहेड वेयर दिस फेमस पोकेमोन फैनेटिक इज सपोज टू लिव, I wanted to stop by because I thought maybe I get to see some rare Pokemon or something. But what I found, and don't freak out when you hear this. क्या भाई? That Pokemon fanatic Bill wasn't there. Instead, there was a Pokemon that talked. अच्छा, तो basically guys, Gary हमें यहाँ पर ये चीज़ बता रहा था कि अगर आगे तुम सोच रहे हो तुम्हें lab में वहाँ पर Bill मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, वहाँ पर जाकर तुम देखने वाले हो एक बोलते हुए पोकेमोन को, इसलिए सरप्राइज मत होना। तो हमें आगे यहाँ पर एक बोलता हुआ पोकेमोन देखने को मिलने वाला है, लेकिन उससे पहले बॉयज हम यहाँ पर हराएंगे इस वाले जिम को और जीतेंगे हमारा सेकंड जिम बैच। मे बी अभी आई डोंट नो कि सरुलेन सिटी में बैटल कर भी सकता हूँ या नहीं, लेकिन शायद अगर कर सकते हैं ना, तो हम हराने वाले हैं यहाँ पर मिस्टी को।
क्योंकि हो सकता है पहले हमें ऊपर जाना, उसके बाद में वापस जिम में आए, मिस्टी यहाँ पर अभी ना हो, लेकिन क्या पता, हो सकता है अभी हो भी, इसलिए हम लोग चेक भी कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं गाइस जिम के अंदर और एक बार चेक करते हैं क्या हम इससे बैटल कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर हराने वाला हूँ मिस्टी को। ओ भाई कूल है ये जिम तो, नाइस, यहाँ पर मिस्टी भी है। चैंप इज द मेकिंग, मिस्टी द जिम लीडर ऑफ सेरुलिन सिटी जिम इज अ पावरफुल ट्रेनर, यू नीड अ पोकेमोन एटलीस्ट 15 लेवल इफ यू वॉन्ट टू चैलेंज हर जिम। अरे गाइस हमारा कोई पोकेमोन 15 लेवल का है इष्ट नहीं, हम इससे बैटल कर ही नहीं सकते, हमें एटलीस्ट अपने किसी पोकेमोन को 15 लेवल का करना होगा तब जाकर हम इसे बैटल में हरा पाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ तो करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा एक पोकेमोन काम नहीं आ रहा है तो मैं उसे अपनी पोकेमोन टीम से हटाऊंगा, वो है मेटापॉड। मुझे नहीं चाहिए पोकेमोन, पता नहीं क्यों बस मुझे नहीं चाहिए यार, मुझे नहीं चाहिए मेटापॉड, मेरे कोई काम का नहीं है, मैं इसे रिमूव कर दूंगा मेरी पार्टी से। तो मैंने मेटापॉड को अपनी टीम से हटा दिया बिकॉज फालतू में मेरी एक्सपी शेयर हो रही थी और मैं उसका यूज़ भी नहीं कर रहा था, और बटरफ्री में इवॉल्व होता वो मुझे चाहिए भी नहीं है। सो बस गाइस आज के एपिसोड के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग हराने वाले हैं मिस्टी को, उसके लिए हमें 15 लेवल चाहिए उस जिम में लड़ने के लिए, तो मैं अपने पोकेमोन्स को ट्रेनिंग करवाने वाले हूँ और उसके बाद में हम जाएंगे बिल के पास में, वहाँ पर हमें एक बोलता हुआ पोकेमोन देखने को मिलने वाला है जो कि बात करता है एक पोकेमोन में, म्याउथ नहीं होगा वो, एक्चुअली में एक मिस्ट्रियस पोकेमोन है जो कि तुम्हें बाद में देखने को मिलने वाला है। तो गाइस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर तुम्हारे पास में कोई टिप्स है तो मुझे कमेंट्स बताओ, और कहाँ पर मुझे चारमेंटर मिलेगा क्योंकि मुझे वो चाहिए अपने पर्सनल के लिए, चारमेंटर की लोकेशन मुझे कमेंट्स में बताओ, और तुम्हें जो भी कुछ टिप्स बताओ मुझे बताना मत भूलना। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।